लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे की बजाय दीपा पाटिल का नाम दिया जाए, इसीलिए नवी मुंबई के जितने भी प्रकल्पग्रस्त हैं आज साखली आंदोलन यानी मानव श्रृंखला आंदोलन कर रहे हैं। थाने बेलापुर से लेकर और थाने तक यह आंदोलन, पनवेल से लेकर थाने तक यह आंदोलन चलने वाला। इस वक्त मैं नेरुल के एलपी ब्रिज के पास हूँ, जहाँ पर सिरोने गांव और नेरुल के तमाम प्रकल्पग्रस्त हैं और उनके नेता हैं डॉक्टर राजेश पाटिल साहब। पाटिल साहब, आज की जो मानव श्रृंखला या आंदोलन है उसका मकसद क्या है और किस तरह से प्रकल्पग्रस्त इसमें हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद एक ही है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है वो हमारे जमीन के ऊपर बन रहे हैं, तो हमारे नेता का ही हक है। इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसको नाम सिर्फ दीपा पाटिल और दीपा पाटिल का ही मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं, जानबूझ के यहाँ का गार्डन मिनिस्टर और गवर्नमेंट जानबूझ के यहाँ के लोगों को मार रहा है, लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है और ये गलत बात उनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि हम लोगों को नाम देना चाहिए। नाम नहीं देंगे तो 24 तारीख को हम लोग रास्ते पर उतरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की बैठक हुई थी उसमें भी ये इस पे चर्चा हुई थी, प्रकल्पग्रस्तों की राय जानी गई थी, क्या सरकार का रवैया था? देखिए, सरकार का रवैया ये बहुत गलत है। क्या डिस्कशन करने का इसके ऊपर, मीटिंग ले रहे हो तो डिसीजन ले लो ना। सीएम को मालूम नहीं दीपा पाटिल साहब ने क्या किया है? सीएम को मालूम नहीं यहाँ पे प्रकल्पग्रस्त लोगों ने यहाँ पे क्या योगदान दिया है, क्या सैक्रिफाइस किया, उनको मालूम नहीं? यहाँ के लोगों ने जमीन नहीं देती थी तो ये शहर नहीं यहाँ पे होता था। ये सब शहर और ये सब लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे रोजगार आप लोगों को मिल रहा है, ये सिर्फ यहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड फार्मर्स के बदौलत मिल रहा है और ये सीएम को मालूम नहीं है। और सीएम बोल रहा है कि इसके ऊपर अल्टरनेट वगैरह कुछ नहीं। हमारे नेताओं ने उधर बोला है कि आपको दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, डिस्कशन के लिए हम लोग कभी भी आएंगे लेकिन अल्टरनेटिव के लिए नहीं। हम लोगों का एक ही इशारा है कि आप दीपा पाटिल साहब का नाम दे दो। इस बीच में देखा तो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश चल रही है। आपको क्या लगता है, सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को दबाना चाहती है? दबाने वाले हम लोग है ही नहीं, और जो घटक पक्ष कर रहे हैं दूसरे के बाप को बाप बोल रहे हो, हम लोग हमारे बाप को बाप बोलते हैं, दूसरे के बाप को बाप बोलने की हम लोग को आदत नहीं। यहाँ पे एक ही होना चाहिए, दीपा पाटिल साहब का नाम, और कोई दबा नहीं सकता है। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, ये सब लोग हैं, ये अपने आप यहाँ पे उतर रहे हैं, किसी को बुलाया गया नहीं, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। अभी कोई नेता नहीं है, नेता सिर्फ दीपा पाटिल साहब है और दूसरा नेता प्रकल्पग्रस्त है, इसलिए किसी को न्योता देने की जरूरत है नहीं। और जो घटक पक्ष है, हम आना है तो साथ में जाएंगे, नहीं आना है तो प्रकल्पग्रस्त को किसी भी तरह का जाति पाति का हम देख नहीं रहे ना, यहाँ पे हम लोग पार्टी देख रहे हैं, जिसको आना है वो यहाँ पे आएंगे, नहीं आना है तो उनके सिवा यहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ने में यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेटेड फार्मेसी है, यहाँ पे यंगस्टर दिख रहा है, यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन दिख रहा है, यहाँ पे हमारा आंदोलन हो जाएगा। हम लोगों को दीपा पाटिल साहब का नाम देने के बाद ही हम लोग चुप बैठने वाले, ऐसा चुप बैठने वाला है नहीं। सरकार जो अल्टरनेटिव जो सुझा रही है, आपको नहीं लगता कि वो जानबूझ के इस तरह की एक साजिश है कि ताकि दीपा पाटिल का नाम पीछे रह जाए? उनके साजिश को कौन पूछता है? अभी ये आंदोलन किसके हाथ में रहेगा नहीं, 24 तारीख को दीपा पाटिल साहब का दिन है, पुण्यतिथि, तब कोई पूछेगा नहीं, ना नेता को कोई पूछेगा, यहाँ से लोग अपने आप बाहर निकलेंगे क्योंकि दीपा पाटिल के बदौलत यहाँ पे लोग खड़े हैं। दीपा पाटिल के बदौलत हमारे यहाँ पे गांव बचे हुए हैं, दीपा पाटिल के बदौलत यहाँ पे जो भी अभी यंगस्टर या हो या पहले पीढ़ी के लोग हो, ये सब दीपा पाटिल के बदौलत यहाँ पे है, दूसरे किसी के बदौलत है नहीं। तो सबको मालूम है, एहसास है कि है, हमारे दीपा पाटिल साहब का ही नाम देना चाहिए, इसलिए आंदोलन के लिए लोग उतरेंगे और आंदोलन हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि अब प्रकल्पग्रस्त दीपा पाटिल के सिवा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं चाहते, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ दीपा पाटिल का ही नाम चाहिए और इसीलिए ये आज की मानव श्रृंखला आंदोलन जो वो चल रही है और इसके आगे 24 जून को जब दीपा पाटिल जी की जयंती है उस दिन बड़े आंदोलन की तैयारी अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर आंदोलन और भी आक्रामक हो सकता है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।